हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट क्लास 10 साइंस का, और वो है मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। कूड़ा कचरा, जो गार्बेज जिसे आप बोलते हो, वेस्ट जिसे आप बोलते हो, क्या होता है, हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो यूजलेस थिंग होती हैं, डिस्कार्डेड होती हैं, लेफ्ट ओवर थिंग्स होती हैं, उन सबको हम गार्बेज बोलते हैं। जो हाउस होल्ड कचरा भी आप बोलते हो, इसको मैनेज कैसे किया जाए, कौन कौन से मेथड है जिससे हम इस वेस्ट को, गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्पोजल किया जा सकता है, उन मेथड्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी है, तो 6 मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड मैं एडिंग डाल रहा हूँ, वो है रिसाइकलिंग। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? रिसाइकलिंग का मीनिंग है कि जो चीज यूज हो चुकी हो उसको दोबारा से यूज में ले आना, उसको कन्वर्ट करके किसी यूजफुल थिंग में। तो जो प्रोसेस है वेस्ट मटेरियल को बनाने में, नई चीज बनाने में, उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, आप एक कोई चीज़ ऐसी लेके आए, जैसे कोई कपड़ा आप लेके आए, वो कपड़े आपने पहने, उसके बाद वो ख़राब हो गया, आपने उन्हीं कपड़ों से कोई और चीज़ बना ली, तो जो वेस्ट हो गया उससे आपने कोई और चीज़ बना ली, उसे ये रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट, जिसमें वेस्ट मटेरियल को न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो मटेरियल है, जैसे कि ग्लास है, पेपर है, ये सारे रिसाइकलिंग होते हैं हमारे पास, और उनको ही हम रिसाइकलिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है वेस्ट को कम करने का। दूसरा मेथड है हमारे पास कंपोस्टिंग। देखिए, कंपोस्टिंग का मीनिंग होता है खाद बनाना। जो फलों और सब्जियों के हमारे पास छिलक होते हैं, या हम ये कहें बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है, उनको हम जमीन के नीचे दबा देते हैं और वो हमें खाद दे देते हैं, तो इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट लाइक फूड फ्रूट पिल्स एक्सेट्रा बर्न अंडर ग्राउंड, उन्हें हम जमीन के नीचे जो है वो दबा देते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर में, विच कन्वर्ट इनटू मैन्योर, खाद में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है वेस्ट को कम करने का। तीसरा है इंसिनरेशन। देखिए, ये क्या प्रोसेस है? वो वेस्ट जो बहुत लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है और जिसको जलाने से कोई ज्यादा हानिकारक गैस बाहर नहीं निकलती जो हमें उसको नुकसान पहुंचा सके, तो ऐसे वेस्ट को हम क्या करते हैं, जला देते हैं, ताकि जलाने से उसका वॉल्यूम कम हो जाए। जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, जलने के बाद जो राख है वो थोड़ी सी हो जाए, ताकि हम उसको इजीली डिकम्पोज कर सकें। तो इस मेथड में बेसिकली हम फूड सब्सटेंस, वेस्ट सब्सटेंस को जलाकर, सिर्फ उनको जिनके जलाने से हमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान या जहरीली गैस रिलीज नहीं होती, उनको जला के उसका वॉल्यूम कम कर लिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं, इट इज द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, इट इज द बर्निंग
ऑफ अ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू कन्वर्ट इट इनटू एश। उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, राख में कन्वर्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, जो आपका वेस्ट है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में था तो कम हो जाएगा। इट रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। तीन मेथड हमने कर लिया डिस्कस वेस्ट मैनेजमेंट के। फोर्थ हमारे पास आता है लैंडफिल्स। देखिए जब नया घर बनाते हैं तो आपने सुना होगा बेसिकली भरत करते हैं। भरत का मीनिंग होता है कि हम पहले मिट्टी डालते हैं ताकि उसको एक लेवल में लेके आ सके ग्राउंड के, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो जो हमारे पास वेस्ट है, हाँ, जो कूड़े कचरे का ढेर है, हम उनको वहाँ भी यूज कर सकते हैं कि भरत में मिट्टी डालने के बजाय हम वेस्ट को डाल दें और ऊपर से आप दोबारा मिट्टी डाल दो तो वो नीचे कंप्रेस हो जाएगा और उससे मिट्टी भी कम लगेगी, जो कि हमारे पास क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, वो उसका भी यूटिलाइजेशन कम होगा, साथ में जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट इज डंप्ड इनटू सॉलिड वेस्ट इज डंप्ड इनटू सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है इनटू अ लो लाइन एरिया, जिस जो ग्राउंड लेवल से नीचे है उसको ऊपर उठाने के लिए जो आप भरत करते हो तो उसको हम करते हैं कन्वर्टेड इनटू कवर्ड विद सॉइल, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कवर्ड कर दिया जाता है एंड मिट्टी से उसको फिर जो है वो क्या कर देते हैं, सॉइल मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं ताकि ऊपर ना दिखे और फिर वो कंप्रेस होके नीचे। इस तरीके से हम बड़े सारे गार्बेज को, वेस्ट को वहाँ मैनेज कर सकते हैं। पांचवा मेथड आता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, देखो ये भी वेस्ट ही है। हमारे पास जो सीवेज का पानी होता है उनको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं, जहाँ पे उसमें से वो इम्प्योरिटीज वेस्ट को फिल्टर करते रहते हैं और लार्ज टैंक में जो है उनको हम फिर आगे डिकम्पोज करते हैं इनको। तो ये क्या है, ये सीवेज जो है वो कैरिड आउट, यानी हम कह सकते हैं सीवेज का पानी या सीवेज ही बोलते हैं उसको। सीवेज इज कैरिड, कहाँ तक लिया जाता है इसको, दूसरे उसका कैरिड ओवर टू एस टी पी। एस टी पी बोला जाता है, स्टिप का मीनिंग होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोबारा सुन लीजिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवरेज को यहाँ पर लेके जा जाता है प्लांट में, यहाँ पे उसको फिल्टर किया जाता है। हेयर हेयर सीवरेज इज फिल्टर, यहाँ पे उसको फिल्टर करके उसमें से वेस्ट अलग निकाला जाता है। तो ये हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें हम गार्बेज को मैनेज करते हैं। एक और हमारे पास रहता है जो मैनेजमेंट का तरीका है, सिक्स हमने बताए थे, वो है आपके पास बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन इसमें क्या है, कुछ जगह पे जो सीवरेज होता है, जैसे एनिमल्स का डंक होता है या फिर ह्यूमंस का जो सीवरेज है, उन सबको डीकम्पोज कर दिया जाता है एक प्लांट के अंदर पैदा करने के लिए बायोगैस, और जो बायोगैस का भी वेस्ट बच जाता है वो खाद के तौर पे यूज होता है। तो लिख सकते हैं सम प्लेसेस इन डीकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैनेजमेंट, दोनों चीज़ें वहाँ से पैदा हो जाती हैं। तो ये हमारे पास तरीके हैं मैनेजमेंट करने के, किसके, गार्बेज के, कि जो कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में आजकल इकट्ठा हो रहा है उसको आप इन छः में से कोई भी एक सुटेबल या अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन
हाँ हम मैनेज कर सकते हैं गार्बेज को, जिससे बेनिफिट होगा, गार्बेज कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज बचे रहेंगे, एटमोसफेयर क्लीन रहेगा, तो ये चैप्टर और एनवायरनमेंट यहाँ पर आज ओवर हो जाता है।